नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं माधव शर्मा, खुश जीवन राशिफल के YouTube चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 15 जून 2021 बार मंगलवार के पंचांग के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज सबसे महत्वपूर्ण सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है, जो कि सूर्योदय से रात 9:42 तक रहेगा। उसके बाद कुमार योग और रवि योग प्रारंभ हो जाएंगे। तीनों ही योग अत्यंत शुभ योग माने गए हैं। रवि योग में सूर्य पूजन अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। सर्वार्थ सिद्धि योग में भगवान विष्णु की आराधना अत्यंत लाभकारी मानी गई है। आज के दिन मिथुन संक्रांति भी है, यानी सूर्यदेव वृष राशि को छोड़कर मिथुन राशि में संचरण करना शुरू करेंगे। संक्रांति का अपना ही महत्व है। इस दिन दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना गया है। आज के दिन सूर्यदेव वृष राशि, जिसके के स्वामी शुक्रदेव हैं, को छोड़कर मिथुन राशि, यानी जिसके स्वामी बुध देव हैं, उस राशि में अपना आज गोचर शुरू करेंगे। इसे मिथुन संक्रांति भी कहा गया है। आज के दिन सूर्य देव की पूजा अत्यंत शुभ मानी गई है और सूर्य के मंत्रों का जाप हमें अवश्य ही करना चाहिए। जिनकी भी कुंडली में सूर्य देव नीच राशि में हैं या अच्छे स्थानों में नहीं हैं, उन्हें आज सूर्य देव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान सूर्य सभी का मंगल करें, सभी का कल्याण करें, इसी कामना के साथ हम शुरू करते हैं 15 जून 2021 का पंचांग। वार मंगलवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, माह ज्येष्ठ माह, पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, अयन उत्तरायण। तिथि की बात करें तो आज पंचमी तिथि है, जो कि रात 10:56 तक रहेगी। नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र रात 9:42 तक रहने वाला है। उसके बाद मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। योग व्याघ्यात योग, जो कि सुबह 9 तक है, उसके बाद हर्षण योग शुरू हो जाएगा। बात करें करण की तो बव करण सुबह 10:48 तक, उसके बाद बालव करण लग जाएगा, क्योंकि रात 10:56 तक रहेगा। आज के दिन विवाह करना, मकान बनाना, यात्रा करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। बाह्य बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 5:27, सूर्यास्त शाम 7:15। सूर्यदेव वृष राशि से मिथुन राशि में अपना आज संचरण करेंगे। चंद्रोदय सुबह 9:27, चंद्रास्त रात 11:21। चंद्र राशि की हम बात करें तो 9:42 तक चंद्रदेव कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद वे सिंह राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं। आइए बात करते हैं शुभ समय। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में हम अपने इष्ट देव की आराधना कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 3:51 से सुबह और 4:39 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त 11:53 से 12:49 तक रहने वाला है। अभिजित मुहूर्त में हम अपना कोई भी शुभ कार्य अगर शुरू करना चाहें तो हम कर सकते हैं। बात करते हैं आज आनंदिक योग। आनंद नाम का योग है कि रात 9:42 तक रहेगा। इसे शुभ योग माना गया है। बात करते हैं चौकड़िया की। सबसे पहले रोग का चौकड़िया, जो कि सुबह 5:27 से और 7:10 तक रहेगा। रोग के बाद उद्वेग 7:10 से 8:54। रोग और उद्वेग, इन दोनों को अशुभ चौकड़िया, अशुभ समय माना गया है। उद्वेग के बाद चरका चौकड़िया 8:54 से 10:38 तक। चरका चौकड़िया सामान्य समय है। चर के बाद लाभ 10:38 से 12:21 तक रहेगा। लाभ का चौकड़िया अच्छा चौकड़िया है, शुभ चौकड़िया है। लाभ के बाद अमृत 12:21 से 2:05, यह भी अच्छा समय, शुभ समय माना गया है। अमृत के बाद काल 2:05 से 3:48, यह एक अशुभ समय है। काल के बाद शुभ का चौकड़िया 3:48 से 5:32, शुभ का चौकड़िया अच्छा चौकड़िया है। शुभ के बाद रोग 5:32 से 7:15, रोग का चौकड़िया अशुभ समय माना गया है। शुभ, लाभ और अमृत, ये तीनों चौकड़िया अत्यंत शुभ हैं। रोग, काल और उद्वेग, इन्हें अशुभ समय माना गया है। चर का चौकड़िया सामान्य समय है। बात करते हैं अशुभ समय की, जिसमें राहुकाल और गोलिकाल। राहुकाल 3 से लेकर और 4:30 तक रहेगा। गोलिकाल 12 से लेकर और 1:30 तक रहने वाला है। राहुकाल और गोलिकाल दोनों ही अत्यंत अशुभ समय माने गए हैं। किसी भी शुभ कार्य को इन दोनों समय में शुरू नहीं करना चाहिए। आइए बात करते हैं दिशाशूल की, यानी आज के दिन किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है उत्तर दिशा। जातकों को उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर भी अगर वो यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें दिशाशूल का परिहार अवश्य कर लेना चाहिए। आज की दिशाशूल का परिहार है कि आपको गुड़ का सेवन करके यात्रा से पहले यात्रा करनी चाहिए। आइए बात करते हैं आज जो भी जो राशियाँ शुभ राशियाँ हैं
यानी जिनको कि चंद्रमा अपना बल प्रदान कर रहा है। तो आज की शुभ राशि है वृष, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। ये सभी राशियां आज शुभ राशियां रहने वाली हैं। आइए बात करते हैं आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनके नाम अक्षर की और उनके पाए की और उनकी राशि की। आइए बात करते हैं आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनके नाम अक्षर हैं डू, डे और टू और म। इसके अंदर मैं जो है वो सिंह राशि है और डू, डे, टू कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं। जन्म पाए की बात करें तो इनका सभी का रजत का पाया रहने वाला है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, हमारे खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जानें डेली पंचांग और डेली राशिफल। धन्यवाद।